की कंपनी बहुत बड़ी है ये। हाँ बहुत बड़ी कंपनी है। मैं सिर्फ आप लोगों को एड्रेस बताता हूँ और ये एड्रेस ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। आप लोगों को वर्कशॉप कंपनियों में सीएनसी मशीन सीखना है तो भाई दिखा रहे हैं आपको, वो भी देख रहे हैं ना भाई, वहाँ पे सीएनसी मशीन लगा रखा है और ऐसी वर्कशॉप कंपनियों में आप सीख सकते हैं काम। यार दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को कंपनी जो दिखाने वाला हूँ वो बहुत बड़ी कंपनी है, इस ब्लॉग को ध्यान से देखिएगा। साथ ही आप लोग नंबर मांगते हैं ना, तो नंबर अगर मैं दे भी दूँ ना तो पता है यार मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, और बहुत करूँगा तो आप लोगों को डायरेक्शन दे सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ। तो कोई नहीं दोस्तों, बने रहें कंटिन्यू इस ब्लॉग के एंड तक और दिखाते हैं आप लोगों को कंपनी। भाई ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, नौकरी क्या चीज़ है। मैं आप लोगों को सिर्फ अपने ब्लॉग में एड्रेस बताने की कोशिश करता हूँ। भाई यहाँ पे हजारों कंपनियों में लाखों वर्कर डेली काम करने जाते हैं। यहाँ पर काम करने के लिए भाई ज़्यादा नहीं, बस करीब 4000 रुपये आपके जेब में होना चाहिए। 1000 रुपये रूम मिल जाता है, एडवांस लेते हैं 1500 रुपये, कोई कोई लेता भी नहीं है। और उसके बाद भाई कंपनी में तो काम मिल ही जाता है यार, बहुत सारी कंपनियाँ यार, इतनी कंपनियाँ हैं कि आपको बता नहीं सकते, क्योंकि ये फरीदाबाद है भाई, फरीदाबाद में बहुत कंपनियाँ बड़ी बड़ी हैं। तो मैं कंपनी के पास आ गया हूँ और आप लोगों को दिखाते हैं वो कंपनी। भाई इस कंपनी में बहुत ITI डिप्लोमा BTEC वाले, आपको जिस कैटेगरी का नॉलेज है आप नेट पे सर्च मार के भी देख सकते हैं क्या कंपनी बनाती है। कंपनी वायर बनाती है। ये लोग आप लोग नंबर मांगते हैं, तो नंबर भाई अगर मैं दे भी दूँ ना तो मेरे को टाइम नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटी कंपनी में काम करता हूँ और आप समझ सकते हैं कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। ये लोग एक बात याद रखिएगा कि यहाँ भाई हजारों कंपनियों में लाखों वर्कर काम करते हैं, समझे ना। ये है फरीदाबाद और इतनी भीड़ सुबह में लगती है ना कि भाई ये हाईवे वाला रोड है और यहाँ पे सिर्फ ड्यूटी वाले जाने वाले होते हैं। देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हैं जिनको बस से लेकर अभी गाड़ी लेकर जाएगी कंपनी में। लोग आप देख सकते हैं कि मैं कंपनी के पास आ गया हूँ और यही कंपनी है भाई। लोग ये एकदम ज़बरदस्त लोकेशन पे कंपनी है, बल्लभगढ़ है ना, जो बल्लभगढ़ मेट्रो ये देख रहे हैं, मेट्रो है और पास में कंपनी है और इधर हाईवे है और एकदम अच्छे लोकेशन पे कंपनी है भाई। गेट के पास लेकर चलते हैं और देखना, दो चार लोग लाइन लगाए होंगे भर्ती के लिए। भाई लोग मैं कंपनी के पास आ गया हूँ और आप लोगों को गेट कंपनी का दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। भाई लोग आप देख सकते हैं कि कंपनी यही है और स्टार वायर इस कंपनी का नाम है। और भाई इस कंपनी में ये लगा लो कि हजारों वर्कर काम करते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी है, सभी लोग इसी कंपनी में ड्यूटी जाते हैं ना। बढ़िया कंपनी है यार, मतलब इसीलिए तो लोग जा रहे हैं काम करने, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है ये। हाँ बहुत बड़ी कंपनी है। तो भाई लोग आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का नाम है स्टार वायर इंडिया लिमिटेड है, ये कंपनी प्राइवेट नहीं है, लिमिटेड है। और देख रहे हैं ना वर्कर ड्यूटी जा रहे हैं। तो भाई बस इतना है कि आप लोग इस कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस भाई आकर इस गेट पे मिलना पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं मिलता है। आप अच्छे से अगर काम करना चाहते हैं ना, देख रहे हैं ना सिक्योरिटी गार्ड बुला रहा भर्ती के लिए, देख रहे हैं ना, अब वो भर्ती ले लेगा। अब पता है भाई लोग पूछेगा कि मतलब तुम क्या जानते हो क्या करते हो, उनको भी बुला रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो भाई कंपनी के पास आना पड़ता है, ऐसे काम नहीं लगता, आप बैठे रहोगे तो काम नहीं लगेगा, समझे ना मेरे भाई। और इस कंपनी का भाई ना दिखाते हैं, बहुत बड़ी कंपनी ये, तो भाई ये लगा लो कि पहला गेट था और दूसरा गेट तो वहाँ पर भी है। मैं सिर्फ आप लोगों को एड्रेस बताता हूँ और ये एड्रेस ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। देख रहे हैं ना मेट्रो चलती है और इधर सारी कंपनियाँ हैं, बहुत बड़ी कंपनी है भाई, इतना दूर तक कंपनी है कि भाई बता नहीं सकते। ये कंपनी बल्लभगढ़ फरीदाबाद में स्थित है और स्टार वायर के नाम से कंपनी है। लोग सुबह के टाइम में 75% से ज़्यादा लोग ना ड्यूटी करने वाले ही जाते हैं। आप लोगों को वर्कशॉप कंपनियों में सीएनसी मशीन सीखना है तो भाई दिखा रहे हैं आपको, वो भी देख रहे हैं ना भाई, वहाँ पे सीएनसी मशीन लगा रखा है और ऐसी वर्कशॉप कंपनियों में आप सीख सकते हैं काम। फाइनली मैं अब कंपनी में आ गया हूँ और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। साथ ही ऐसा है कि आप मेरे को कॉन्टेक्ट ना करें, क्या है कि मैं आप लोगों को एड्रेस बता देता हूँ, यही काफ़ी है। तो कोई नहीं, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट टाइम फिर किसी कंपनी का ब्लॉग बना कर दिखाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।